गांगुली की बायोपिक को लेकर कई महीनों से सुगबुगाहट चल रही है। फिल्म कब बनेगी, किस दिन से फ्लोर पर जाएगी और सबसे बड़ी बात, इसमें किस एक्टर को दादा के कैरेक्टर के लिए कास्ट किया जाएगा, ये तमाम टॉपिक्स टॉक ऑफ द टाउन बन गए हैं। लेकिन अभी तक सौरव गांगुली की भूमिका निभाने वाले कुछ स्टार कास्ट के नाम को रिवील कर दिया गया है, मगर इस पे अभी मुहर नहीं लगाई गई है। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि दादा के किरदार को रणबीर प्ले करने वाले हैं और वो कई बार सौरव गांगुली से इस सिलसिले में मीटिंग्स भी कर चुके हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि फिल्म में किसी दूसरे एक्टर को मेकर्स ने कास्ट करने का मन बनाया है। तो आखिर कौन है ये एक्टर जिनके नाम की चर्चा हर जुबान पर है, जो रणबीर कपूर को रिप्लेस करने वाले हैं, और क्या वाकई में ये एक्टर ही सौरव गांगुली बनकर मैदान पर बल्ला घुमाएंगे? चलिए जानते हैं कि आखिर किस एक्टर के नाम की चर्चा हो रही है। दरअसल बॉलीवुड में वैसे तो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज की बायोपिक बन चुकी है, लेकिन अब लंबे समय से फॉर्मर क्रिकेटर और क्रिकेट कमेंटेटर सौरव गांगुली की बायोपिक पर काम करने की चर्चा है। पहले उनकी बायोपिक में उनका किरदार निभाने वाले एक्टर के तौर पर रणबीर कपूर का नाम सुर्खियों में था, लेकिन अब खबर है कि आयुष्मान खुराना फिल्म में उनकी भूमिका प्ले करने वाले हैं। देखिए, कुछ वक्त पहले से रणबीर के फिल्म से बाहर होने और आयुष्मान के फिल्म में एंट्री लेने की खबर सुर्खियों में बनी हुई है। ऐसे में हर कोई ये बात जानना चाहता है कि सौरव गांगुली की भूमिका आखिर कौन सा एक्टर प्ले करने वाला है। लिहाजा अब इस बारे में आयुष्मान ने कुछ ऐसा जवाब दिया है जिसके बाद से कयासों का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल फिल्म ड्रीम गर्ल 2 के प्रमोशन के दौरान एक इवेंट में आयुष्मान खुराना ने इस ओर बड़ा हिंट दिया है। एक न्यूज पोर्टल से बात करते हुए आयुष्मान ने इस बारे में कहा, मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूँ, जब भी और जो भी होगा हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट करनी होगी। वहीं सोर्सेज का कहना है कि सौरव गांगुली की बायोपिक में आयुष्मान खुराना काम करने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि दो डायरेक्टर और मेकर अंकुर गर्ग और लव रंजन ने हाल ही में सौरव से उनके बेहाला वाले घर पर मीटिंग भी की है और फिल्म को लेकर डिटेल में बात की है। फिल्म की स्क्रिप्ट राइटिंग हो चुकी है और अब फॉर्मर क्रिकेटर की लाइफ की कुछ दिलचस्प कहानियों को शामिल करने की प्लानिंग की जा रही है। ऐसे में आयुष्मान को सौरव गांगुली के बायोपिक में होने की खबर को जानने के बाद से फैंस एक्साइटेड हो गए हैं। ऊपर से आयुष्मान ने भी अपने इंटरव्यू में इस बात पर हिंट देकर अब सबको बेसब्र कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन सिनेमा में स्पोर्ट्स बायोपिक्स का क्रेज बहुत रहता है, क्योंकि बॉलीवुड में ये एक हॉट फॉर्मूला है। महेंद्र सिंह धोनी, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह और महावीर सिंह फोगाट से लेकर मैरी कॉम तक सारी फिल्मों ने अच्छा परफॉर्म किया और अच्छा बिजनेस भी किया। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस फिल्म को लेकर बाकी के डिटेल कब तक सामने आते हैं। इस फिल्म में रणबीर की जगह आयुष्मान खुराना सौरव गांगुली की भूमिका निभाने वाले हैं, इस बात की भी अपडेट कब तक सामने आती है देखने वाली बात रहेगी। खैर, आप बताइए आपको क्या लगता है, सौरव गांगुली की बायोपिक में रणबीर कपूर और आयुष्मान खुराना में से कौन सा एक्टर बढ़िया तरीके से फिट बैठ सकता है? बताइए अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।